और अब जिक्र मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा का करते हैं। इसके एक और महीने में इसको खास माना जा रहा है। दरअसल ये यात्रा मंत्रियों और विधायकों की फीडबैक कलेक्शन यात्रा भी है। सीएम राजे यात्रा के दौरान जमीनी स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी ले रही है और इसी फीडबैक के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट का वितरण भी होगा। आज गंगानगर में राज्य ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण होगा। रिपोर्ट। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी चुनाव के मद्देनजर एंटी इनकम्बेंसी थामने के लिए टिकट वितरण में कई अहम और चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। सूत्रों की माने तो खराब परफॉर्मेंस के चलते कुछ मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटेंगे। करीब 60% विधायकों को इस बार टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने मंत्रियों और विधायकों के कामकाज के मूल्यांकन के लिए एक अंदरूनी सर्वे कराया है। इस अंदरूनी सर्वे से प्राप्त तथ्यों का मिलान खुद मुख्यमंत्री राजे करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी गौरव यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में सीधे जनता से मिल रहे फीडबैक से कर रही हैं। राजस्थान की राजनीति में जातिगत आधार एक अहम फैक्टर है। ऐसे में इस फैक्टर को भी भाजपा दरकिनार नहीं करेगी। इधर कांग्रेस के मजबूत नेता जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है, उनको पछाड़ने की रणनीति भी भाजपा ने अंदर खाने तैयार कर ली है। हाल ही में अलवर और अजमेर लोकसभा उपचुनाव हार से सबक लेते हुए पार्टी का विशेष फोकस यहां की 17 विधानसभा सीटों पर काबिज विधायकों पर है। पार्टी उन 17 विधानसभा सीटों पर काबिज विधायकों के कार्यों का मूल्यांकन गहनता से कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार इन 17 विधानसभा सीटों पर काबिज मौजूदा विधायकों में से ज्यादातर के टिकट काटे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में पार्टी नए चेहरे विधानसभा चुनाव के लिए उतार सकती है। इनमें जरूरी नहीं ये चेहरे पार्टी से ही हों। प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से टूट कर आने वाले चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में मिशन 180 हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए पार्टी हर वो पैतरा काम में लेगी जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।